सेलिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में क्या बना रहा है। अब देखो एक चीज इसके फेस में, आप एक चीज मेजर करो कि क्या पूरे में तो बस जो साइन सबसे ज्यादा दिख रही है वो इसके आई में दिख रहे हैं, इसको हम प्योर व्हाइट जो नंबर का शेड छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट जो बाकी जो दिख रहा है वो क्या एरिया है, वो तो एक नंबर का एटलीस्ट शेड तो होएगा ही, ठीक है, या दो नंबर का। तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा एक बेस शेड ऐसे लगा ही लूंगा इस तरीके से। जब भी हम लाइट शेड लगाते हैं तो हम पीछे पेंसिल पकड़ते हैं, ये नहीं कि यहां से मैंने पकड़ा और यहां से एकदम डार्क होने के चांसेस होते हैं। हम और डल कर सकते हैं, देखो कितनी ब्राइट है। अब बराबर रख के देख सकते हो अपने इसको, देखना कैसे है। इसको हम और डल कर सकते हैं। अब तो जो शेडिंग करते हैं, ये लाइट है एकदम, ये डार्क है, तो उसके एजेस को हम बहुत हल्का हल्का हल्के यहां से सॉफ्ट। अब एक चीज आप लोग ये देखो, यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है आपको, वो कैसे बनेगा पता है। अब पेंसिल भी समझ लो करंट लग गया आपके हाथ में, ठीक है, तो हाथ में थोड़ा सा हल्का हल्का इस वे में और इस वे में चलाना है, कहीं कहीं पे टेक्सचर आ रहा है देखो इस तरीके, ठीक है ना, जहाँ ज्यादा है वहां थोड़ी देर तक ज्यादा हाथ चलेगा देखो इस तरीके। अब आपको शेडिंग नहीं करनी है, बस कहीं कहीं रैंडम कहीं भी आपको हल्के हल्के पेंसिल को प्रेसेस दबाना है, अपने आप वो शेड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो क्या वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे टेक्सचर ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिंकल ऐसी होती है वो तो कहीं भी फेस में आ सकती है ना, खासकर ओल्ड मैन से। हम अपने हिसाब से थोड़ा सा टेक्सचर कैसे क्या हल करके हाँ कैसे भी उसको मतलब मेन उसका फील आना चाहिए। टेक्सचर ये अलग पार्ट है।
जैसे कि बीच बीच में अब इसे आप इसको इरेज करके भी निकाल सकते हो, वही रह जाएगा। लगता है डार्क हो गया है, इसको थोड़ा इरेज करके अब बीच में थोड़ा सा इस तरीके थोड़ा सा लाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड होगा तो आप ज़्यादा पहले हल्का सा एक बेस शेड दे सकते हो। प्योर वाइट साइन है वो सिर्फ आई वॉल में ही है, ठीक है ना। बीच तक दिख डॉट दिख रहा हो हल्का हल्का, बहुत कहीं कहीं पर हल्का हल्का आप दे सकते हो। ये पोर्ट्रेट ने इसे मतलब बताया कि देखो प्लेन सॉफ्ट शेडिंग तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टेक्सचर कैसे बने, कहीं बाई चांस आ जाता है लाइफ में कहीं भी ऐसा पोर्ट्रेट तो आप उसको इजीली बना सकते हो। यहाँ पे हल्का देखो बहुत टेक्सचर दिख रही है, इसको हल्के यहाँ से पीछे से लेंथ पकड़ के हल्का हल्का था। देखो इसमें नहीं है सेट, बट मुझे मालूम है कि इसको अच्छा कैसे करना है, तो हल्का डार्क शेड डाले इससे कि वो थोड़ा सा और 3D वाला फॉर्म में आ जाए। और कौन तोड़ रहा है पीछे के आवाज में आ रही है।
से उबाल गए थे बनने के, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ी बात बताऊँगा आपको। इस एरिया में नहीं करूँगा वाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस जाएगी। अब मुझे इस एरिया में हेयर दिखाने में क्या करूँगा, तो मैं डार्क कर दूँगा ऐसे, तो डल हेयर दिखाने में। अब क्या करूँगा, यहाँ पे हेयर की लाइन अगर बना रहा हूँ ना ऐसे, डल होंगे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा लाइट वाले आएंगे, तो थोड़ा सोच समझ के आपको करनी पड़ेगी। आप पहले हल्के से स्काई बेस दे सकते हो, हल्की सी स्किन लाइंस का, करना वहाँ के हम अंदर मुझे अभी हल्का हल्का में लाइन इस तरीके से हल्का, जिससे कि वो थोड़ा सा रियल अलग फील आ जाए। इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हो, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, तो मैं जैसे मैं समझ में आ रहा है मैं ऐसे करता चला, बट आपको बस ये टेक्निक बता दी करना कैसे आप, ठीक है ना। कैसे एक सेप ऐसे जा रहा है, एक सेप ऐसे आ रहा है, तो मेरी गलती कोई नहीं, मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आप तब आपको लगता है कि ऐसे अच्छी होती तो मेरे को जैसे मैं वैसे ही बना रहा हूँ, वैसे ऐसा अजीब लगता है, एक साइड ऐसे आ रहा हो एक नीचे आ रहा हो। देखो सिंपल ही बात है, अगर मैं सारे हेयर डार्क कर दूंगा तो डार्क लगेगी यंग मैन की, बट अभी देखो मैंने वाइट रखा नीचे थोड़ा सा अड्डा देने के लिए, यहाँ साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मैंने डार्क कर रखा है, जिससे लग रहा है कि यहाँ वाइट बियर्ड है, तो ऐसे रिलेट करते हैं। लाइन से भी मतलब खेल सकते हो कैसे आपको, वैसे ही बन रहा है कि दूसरे टाइप नहीं, बिल्कुल वही बना रहा हूँ। पता है यहाँ कितना कैसे बनेगा, ये लाइन यहाँ से लाइन आएगी, यहाँ से लाइन आएगी। देखो अंदाजा ही बहुत बड़ी चीज होती है, आप अनुमान लगाना, ठीक है, जिसने अगर उसको कैच कर लिया तो लोग, ऐसी कोई चीज नहीं है, पोर्ट्रेट भी मतलब सब कुछ बना सकता है, अब वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है।